मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव चुनाव से पहले पिछड़े वर्ग को साधने के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं। ऐसे में भाजपा नेताओं पर वे जमकर प्रहार कर रहे हैं। इस बार यादव ने अपने भाषण में बंटी बबली की चर्चा की, लेकिन उन्होंने बंटी बबली कौन है ये किसी को नहीं बताया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अरुण यादव इस समय पिछड़े वर्ग को कांग्रेस के पक्ष में लाने के लिए खूब दौरा कर रहे हैं। अपने चुटीले भाषण से भाजपा पर आक्रमण करने का कोई मौका यादव नहीं छोड़ रहे हैं। उनका कहना है मध्य प्रदेश में करप्शन और कमीशन की सरकार चल रही है। उन्होंने राजनीति के रंगा बिल्ला के बाद मध्य प्रदेश के बंटी बबली पर कटाक्ष किया, लेकिन ये बंटी बबली कौन है इनका नाम अपनी जुबान से अरुण यादव ने नहीं लिया। दिल्ली में रंगा बिल्ला की सरकार है और मध्य प्रदेश में बंटी और बबली की सरकार है। पंडित जी, मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है। इसके तहत उन्हें प्रतिमाह 1,000 रूपए दिए जाएंगे। ये राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंचाई जाएगी। योजना की प्रक्रिया बेहद सरल और निःशुल्क है। योजना से जुड़ने के लिए बहनों को कहीं भटकने की आवश्यकता भी नहीं है। 10 जून को पहली किस्त बहनों के खाते में आ जाएगी, 1,000 रुपया की पहली किस्त। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेल्पलाइन नंबर 07552700800 एवं वेबसाइट cmlaadlibehna.mp.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।